नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। साल 2020 शायद कोई भी इस साल को अच्छा नहीं मानता होगा, लेकिन जैसे तैसे लोगों ने इस साल से पीछा छुड़ा ही लिया। ये वो साल था जब देश और दुनिया कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी। इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने 19 मार्च 2020 को 135 करोड़ देशवासियों से एक अपील की थी। पीएम मोदी की इस अपील का असर ये हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 22 मार्च की, और आज इस जनता कर्फ्यू को पूरा एक साल हो गया है। मैं आज अपने भाइयों बहनों, देश के 135 करोड़ देशवासियों से एक समर्थन मांग रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को नहीं टालेंगे, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुखद है लेकिन देश हित में है। इसलिए जरूरी है ये जनता कर्फ्यू, यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। साल 2020 के जनवरी 30 को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। तब किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसी है और कब तक खत्म होगी, लेकिन हाँ, जो लोग देश विदेश की खबरों को देखते हैं उन्हें जरूर पता था कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी चीन के वुहान शहर में देखने को मिली है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बीमारी देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लेगी। होली का त्यौहार तो कुछ लोगों के बीच जाकर कुछ दूरी बनाकर लोगों ने मना लिया, लेकिन सख्ताई की सुगबुगाहट होने लगी थी। और हुआ वही, तब मार्च में जाकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसले उठाने शुरू किए। इसी कड़ी में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घरों में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। हालांकि बेहद जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम पर जाने की छूट दे दी गई थी। आखिर क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 यानी रविवार को लगाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को सामने रखा था और हर किसी से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के साथ साथ एक और खास अपील की थी। 22 मार्च को शाम 5:05 पर अपने घरों की बालकनी पर खड़े होकर ताली थाली बजाने की अपील। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जाए और थाली ताली बजाकर उन्हें सैल्यूट किया जाए। क्या क्या बंद हुआ था? जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान था, तब देश के कई संस्थानों ने पीएम की अपील के साथ कदम ताल किया। भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो, सभी एयरलाइंस, मॉल, मूवी थिएटर्स, ट्रांसपोर्टर सर्विस ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और 22 मार्च के लिए अपनी सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया था। कोरोना तब नया था, कुछ लोग इसे समझते थे, लेकिन वो कुछ लोग महज 100 हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को इसके असर का पता नहीं था। ऐसे में जब पीएम मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के पालन की अपील की, तो इसका पूरा देश में व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहर ही नहीं, बल्कि देश का हर गाँव, कस्बा, गली और मोहल्ला इस जनता कर्फ्यू का हिस्सा बना। हर जगह एक सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि तब हर किसी को लगा था कि ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। ऐसे में रविवार का दिन होने के कारण भी लोगों को घर में रहने की आसानी हुई थी। सुबह 7 बजे शुरू हुआ था जनता कर्फ्यू और रात के 9 बजे तक चला था। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की बालकनी, मेन गेट के बाहर तालियां बजाने और थालियां बजाने के लिए आए थे। फिर चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला कोई आम इंसान, गरीब इंसान हो या फिर कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार, लंबे वक्त तक सोशल मीडिया पर इस जनता कर्फ्यू और ताली थाली बजाने की तस्वीरें, वीडियोस अलग अलग अंदाज में वायरल भी हुए थे। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के पालन की तारीफ बहुत की, लेकिन इसी के साथ ही देश में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, यानी लोगों को पूरे 21 दिन अपने घरों में रहना था। ना कोई कहीं आ जा सकता था, ना ही कोई कहीं जा सकता था, सब कुछ बंद, यानी पूरा देश बंद। एक साल बाद अब फिर लौट रहा कोरोना।
ठीक एक साल पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब ये रफ्तार भी डराने वाली लग रही थी। अब एक साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार उछाल मार रहे हैं। जो केस हर रोज 15,000 के करीब पहुंच गए थे अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं जो हर किसी को डरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने चिन्हित शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुख कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाली इंडिया। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वाली इंडिया।